फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीडिया हट। एंड आज हम रिव्यू करेंगे जेडी सिरप के बारे में, क्या इसके यूजेज है, क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट है और क्या इसकी डोजेज है। मैं इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक अच्छी कंपनी है। आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर ये सिरप अवेलेबल हो जाएगा। कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है, जो कि इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम दोनों में ही पाया जाता है। यूज़ की बात करें, मतलब इसका वर्क कैसा करता है, वर्क मैकेनिज्म क्या है, तो इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ये बैक्टीरिया की सेल वाल को जाकर रोक देता है। अगर आपके बच्चे को कोई भी बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके अंदर इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। यूजेस की बात करें, यानी किस किस में हम इसको दे सकते हैं। अगर बच्चे को कान से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या न्यूमोनिया है, या ब्रोंकेटाइटिस है, या गले में कोई इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। बात करें कितने ml में आता है, ये 30 ml की एक cc आती है, जो कि 100 रुपये के आसपास की आती है। और जो इस सिरप का सबसे मेन काम है, ये गले से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसके अंदर ये दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। डोज़ की बात करें हम, अगर आपका बच्चा 5 साल का है या 3 या 5 साल के बीच में है, अगर उसका वज़न ठीक है यानी 15 के आसपास है, तो आप इसे 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इससे नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हल्का सा बच्चे के पेट में दर्द भी हो सकता है। तो आप इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही ये, क्योंकि ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।